शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीत श्रुतं मे गोपाय ओ ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनिव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षित इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ माप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां माम ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि
वेदस्य महानिस्त श्रुतं मे मा प्रहसि रणेनाधीते नाहोरात्रान्त संददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति ओम भद्रं नो अपि वात्तय मनः ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येम शवेर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठुवांसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायो स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शांति 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 ॐ यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शांति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशेषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपद महांतं गोविंद योगींद्रमता से शिष्यं श्री शंकराचार्य मता से पद्म पादंच हस्तामलकं च शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं संततमा नतोस्मि श्रुतिस्मृति पुराणाना मालयं करुणालयं नमामि भगवत पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति 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 तृतीय पंक्ति तो हेतुफलभाव से वसिद्धि।
कार्यकारण भाव जो स्वयं हेतु सिद्ध नहीं होगा तो फल का जनक कैसे होगा। तो दोनों हेतु फल और अक्रमवत और न कार्यकारण भाव न संबंध सिद्ध्यति, दोनों क्रम कहना पड़ेगा, पहले कौन बाद में कौन, एक साथ होगा तो नहीं होगा और क्रम अक्रम एक साथ कार्यकारण नहीं होगा। ये जो कहा गया था इतद आकांक्षा पूर्वकम साधयति कथम भाष्य में, पहले कहा था असंबंध विषाणवत युगपत संभवी अस्मात् असंबंध विषाणवत, ये कहा गया था अक्रमवत न कार्यकारण भाव में संबंध सिद्धति इतद, ये जो कहा था आकांक्षा पूर्वकम साधयति उसको सिद्ध करते। कथम असंबंध, दोनों में कार्यकारण भाव रूप संबंध क्यों नहीं होगा, इत्या फलाद उत्पद्य मानस नते हेतु प्रसिद्ध थी, उसका अर्थ क्या, फलाद जो फलजन्य है जन्याद, जन्य जो है स्वतः अलब्धात्मका स्वतः लब्धात्मक नहीं, कारण से उत्पन्न होने वाला फल स्वरूपत लब्ध आत्मा ये न यस्य स लब्धात्मक, जो जन्य फल है उत्पन्न होने वाला स्वतः लब्ध आत्मक नहीं, वो तो कारण से उत्पन्न होने वाला, ऐसे फलाद उसी फल जो स्वयं अलब्धात्मक है उसी फल से उत्पद्यमान सन हेतु, ऐसे कार्यकारण संज्ञात फल इससे उत्पन्न होने वाला हेतु कैसे सिद्ध होगा। जिस फल से उत्पन्न होता है कार्यकारण संघात से उत्पन्न होगा धर्माधर्म हेतु, फल स्वयं लब्धात्मक नहीं है, स्वयं स्वरूप है ही नहीं, ऐसे फल से उत्पन्न होने वाला जो हेतु होगा वो तो जो स्वयं फल यदि लब्धात्मक नहीं तो असत है, उत्पद्यमान सन सस विषाण आदेरिव असत, सस विषाण के समान जो विद्यमान ही नहीं फल, इससे हेतु कथम प्रसिद्ध थे न प्रसिद्ध थे, उत्पद्यमान फलाद उत्पद्यमान सन हेतु न प्रसिद्ध थे तब मते, हेतु है धर्माधर्म, जो फल स्वयं उत्पद्यमान पहले है ही नहीं, असत न हेतु प्रसिद्ध्यति जन्म न लभते, जन्म कैसे होगा हेतु, कार्य कारण संघात ही प्रसिद्ध नहीं तो उससे उत्पन्न होने का धर्माधर्म कैसे सिद्ध होगा। अलब्धात्म को असिद्ध सन, अलब्धात्म तो सिद्ध नहीं, उसका आत्मा स्वरूप सिद्ध नहीं, वह असिद्ध है, असिद्ध है तो सस विषाण के समान हो गया, सस विषाण आदि कल्प सस विषाण आदि की जैसे हो गया असत, तब न ते हेतु न प्रसिद्ध, तब हेते गा तब कथम फल उत्पादी, अप्रसिद्ध स्वयं यदि हेतु हुआ हेतु प्रसिद्ध नहीं हुआ, हेतु ही सिद्ध नहीं होगा, अप्रसिद्ध कथ हेतु कथम फल उत्पादी, हेतु प्रसिद्ध नहीं हुआ धर्माधर्म है तो कैसे कार्यक्रम संघात फल का उत्पादन करेगा। ये दूसरे उत्तराध का व्याख्यान भाष्य में अलब्धात्मक असिद्ध, जो हेतु अलब्धात्मक असिद्ध हुआ तुम्हारे मत कथम फलम उत्पादयिष्यति, फिर फल का उत्पादन कैसे करेगा। टीका में हेतु स्वरूपाद जन्यम फलम, फलाद उत्पद्यमान फलाद का फल हो गया जन्य, जन्य कैसे उत्पन्न होगा हेतु स्वरूपाद धर्माधर्म से उत्पन्न होने वाला फल तदधीनत्वेन लब्धात्मकम, हेतु अधीन होकर के लब्धात्मक होगा फल, कार्यकारण संघात फल है लब्धात्मक कैसे होगा, तद अधीनत्वेन हेतु अधीन धर्माधर्म के अधीन होकर के स्वरूप लाभ होगा, और स्वतः जब तक हेतु नहीं है फल लब्धात्मक है स्वतः चलाब्धात्मक, क्योंकि हेतु स्वरूप से हेतु स्वरूप के अधीन है, हेतु होने पर भी फल होगा, हेतु जब नहीं तो स्वतः अलब्धात्मक है फल, स्वतः अलब्धात्मक फल
उससे उत्पन्न होगा हेतु, तथा उत्पद्यमान स्थान ऐसे हेतु न प्रसिद्ध आदि। जो फलाद उत्पद्यमान हेतु, जो फल स्वयं सब अन्य सापेक्ष हेतु सापेक्ष स्वतः सिद्ध है ही नहीं, असिद्ध फल से उत्पन्न उत्पन्न होगा हेतु कैसे प्रसिद्ध होगा। ततः ततः क्या था फलाद, जो स्वतः अलब्धात्मक है स्वयं स्वरूपत है ही नहीं, उससे उत्पद्यमान स्थान हेतु ते हेतु कथम प्रसिद्धति, हेतु न प्रसिद्धति न प्रसिद्धति, प्रसिद्ध नहीं होगा। न खलु सस्य विषाण आदि रसत सकाशात किंचित लब्धात्मक उपलभ्यते, कार्यकारण संघात स्वतः लब्ध आत्मक है ही नहीं, उससे हेतु नहीं होगा। सिद्धांत ने कहा कि वो स्वयं लब्धात्मक नहीं हो करके भी उससे हेतु बन जाए, क्या ऐसा कहाँ दिखा गया। जो स्वयं अविद्यमान हो करके जैसे सस्य विषाण है ही नहीं, असत है, असत स्वयं होकर कुछ कार्य बना देगा, असत सकाशात किंचित कुछ भी मान लो अलब किंचित लब्धात्मक नहीं उपलब्ध, असत से उत्पन्न होने वाला सत कहीं नहीं दिखता है, स्वयं लब्धात्मक हो जाएगा कभी नहीं हो सकता है असत। इसलिए यदि फल है लब्धात्मक सत है ही नहीं, क्योंकि हेतु अधीन है धर्माधर्म का अधीन, धर्माधर्म क्यों ना स्वयं लब्धात्मक नहीं है फल कार्य कारण संगत, उससे हेतु सिद्ध नहीं होगा, स्वयं असत हो गया उससे हेतु धर्माधर्म सिद्ध नहीं होगा। हेतुश्चेद अप्रसिद्धो अलब्धात्मक अभ्युपगत, हेतु अप्रसिद्ध हो गया न ते हेतु प्रसिद्धति, हेतु कार्य धर्माधर्म अप्रसिद्ध हुआ, अप्रसिद्ध मतलब अलब्धात्मक उसका स्वरूप है ही नहीं। यदि इसको मान लिया अभिभगत सतरी तथा भी दो असद रूप सन न फलम उत्पादित उत्साह, स्वयं हेतु तथा भी दो जो अलब्धात्मक है असदरूप हो गया, हे अपना स्वरूप है ही नहीं तो असदरूप हो गया, असदरूप होता हुआ न फलम उत्पादित उत्साह, फल कैसे कार्य कांड उत्पादन करेगा, हेतु हेतु स्वयं सदरूप असदरूप है अलब्धात्मक फलम न उत्पादित मुसते, अप्रसिद्ध कथम हेतु फलम उत्पादिष्यति। नहीं सद्वादी मते फलम असत सकाशाद उपलब्ध चरम, सत से उत्पन्न होता है, असद्वादी कोई नहीं कहेंगे फल असत से उत्पन्न होने वाला कहीं नहीं दिखा गया, सांख्य लोग सद्वादी के असत से उत्पन्न होगा कभी नहीं दिखा गया। उपलब्ध चरम न उपलब्ध भूतपूर्वी चरट नहीं दिखा गया कभी, तथापि कथम हेतु फल असंबंध सिद्ध्यति। पूर्व ऋषि कहता है पूर्व श्लोक में आपने कहा युगपत संभवी अस्मात असंबंध विषाणवत, यही तो पहले प्रश्न है कि क्यों होगा हेतु फल में असंबंध क्यों, कार्यकारण भाव संबंध क्यों नहीं होगा, परस्पर सापेक्ष है, हेतु अपेक्षा करता है फलों को, फल अपेक्षा करता है हेतु को, टिप्पणी दे दिया तथा भी कहता हूँ परस्पर सापेक्ष सिद्धि कत्वे भी परस्पर सापेक्ष सिद्धि आयो दोनों परस्पर सापेक्ष सिद्धि क फल हेतु सापेक्ष सिद्धि वाला और हेतु है फल सिद्धि सापेक्ष, ये दोनों ऐसा कार्य परस्पर सापेक्ष होकर सिद्ध होने पर हेतु फल असंबंध क्यों हुआ, कार्यकारण भाव संबंध क्यों नहीं होगा, ईसा संकहन से उत्तर देते नहीं इतरे तरह पक्ष सिद्धियो सस्य विषाण कल्पय हो, हेतु सिद्ध होता है फल की अपेक्षा करके, फल जब तक नहीं तब तक हेतु सिद्ध नहीं हुआ, और हेतु कब सिद्ध होगा, फल होने पर हेतु सिद्ध होगा, हेतु होने पर फल सिद्ध, हेतु के पहले फल सिद्ध नहीं, फल के पहले हेतु सिद्ध नहीं, दोनों कैसे हो गए सस्य विषाण कल्प हो परस्पर सापेक्ष, ये कहता है फल आएगा तो हेतु सिद्ध होगा, हेतु आएगा तो फल सिद्ध होगा, और दोनों के पहले सस्य विषाण कल्प हो गया,
तो इतर तर अपेक्षा सिद्ध्य हो, इतरातर अपेक्षा सिद्धि यही हो तय हो, ससु विषाण कल्प हो गए दोनों असत हो गए। तो दोनों यदि है ही नहीं, दोनों का संबंध करो, कार्यकारण भाव ने संबंध, कार्यकारण भाव ने संबंध, वंध्यापुत्र और ससु विषाण कार्यकारण भाव संबंध करो, दोनों है ही नहीं, दोनों असत कल्प हो गए, कार्यकारण भाव ने संबंध नहीं, कोचे दृष्ट कहीं नहीं दिखा गया, कार्यकारण भाव नहीं दिखा गया, अन्य कोई संबंध हो जाए और संबंध क्यों कहा, कार्यकारण भाव संबंध नहीं तो अन्य संबंध का तो अन्य था वा, अन्य था कहीं आधार आधे भाव संबंध हो, ससु विषाण के ऊपर बंध्या पुत्र बैठेगा या बंध्या पुत्र के ऊपर ससु विषाण रहेगा, ये आधार आधे भी रही होगा, कार्यकारण भाव नहीं अन्य था वा आधार आधे भाव तो कुछ संबंध है नहीं सता, असंबंध विषाण हाँ भाष्य में दिया अन्यथा वा इति अभिप्राय, टीका में दे दिया अन्यथा वा का अर्थ इति आधाराधेय भावादिकम, आधाराधेय भाव हो बाकी जितने संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध, पितृपुत्र आचार्य शिष्य आचार्य संबंध, जितने संबंध है कोई संबंध हो नहीं सकता है, असत्कल्प है तो आधाराधेय भावादिकम आदि कथनम अन्यथा सदस्य, दोनों ही एक पर अन्य सापेक्ष सिद्ध वाला स्वतः सिद्ध है, कार्य नहीं बना सकता है, और वो कार्य जब तक नहीं हुआ तो अन्य का कारण कैसे बन जाएगा, इसे दोनों परस्पर में कार्य कारण भाव संबंध अन्य कोई संबंध नहीं हो सकता है, यही पहले कहा था असंबंध विषाणुवत हेतु फल योगपत्ति सती अन्यतर से न पूर्वक्षण सत्ता इत असत हो ससु विषाणु रिव अन्य अपेक्षा जन्य जनकत्व नोपपद्यत ससु विषाणुवदि ससु विषाणादिषु अभी प्रसंगात उत्तम, अभी तो जो कहा गया हेतु फल योगपत्ति सति हेतु और फल एक साथ, हेतु धर्माधर्म फल कार्यक्रम संघात को लिया, कहीं भी कार्यकांड से हेतु फल में योगपद्य सती एक साथ मानेंगे तो एक साथ होगा तो पूरा में कौन है, दोनों एक साथ है तो कोई दोनों में से अन्यतर से आप ही पूर्वक्षण सत्ता न, योगपद्य होगा तो पूर्वक्षण कोई नहीं, अन्यतर से आप ही न पूर्वक्षण सत्ता, यदि सत्ता नहीं तो क्या पदार्थ है हेतु फल में, असत हो गया इत असत हो, सत्ता नहीं तो सत्य कैसे होगा, जो है विद्यमान हो तो सत्य होगा, उसमें सत्ता नहीं तो असत हो, असत पदार्थ कैसे होता है, ससु विषाण हो रही हो, ससु विषाण बंध्या पुत्र में संबंध नहीं हो, ससु के दो विषाणु होते हैं, पशु के दो विषाणु होते हैं ना, दो विषाणु में तो संबंध हो जाएगा, ससु विषाण हो रही वो कहते बंध्या पुत्र ससु विषाण का संबंध दूर है, ससु विषाण दोष विषाण में दूर नहीं ना, पास में ना, वो असत है दोनों पास में, ससु विषाण हो रही वन्य अपेक्षा जन्य जनक तो नोपद्यते, ससु विषाण में वाम को अपेक्षा करे डायन उत्पन्न होगा, डायन को उत्पन्न करे वाम, वो है ही नहीं, अन्य अपेक्षा जन्य जनक तो नोपद्यते नहीं बन सकता, कार्यकारण भाव नहीं बनेगा, ऐसा बन जाए तो क्या होगा, ससु विषाण आदि से भी प्रसंगा तो ससु विषाण में ऐसा हो जाए, एक अपेक्षा दूसरा उत्पन्न हो जाएगा, जन्य जनक दोनों असत है, दोनों असत हो करके एक दूसरे का जनक ये हो जाए, ये प्रसंगा आदि आपत्ति आएगी, इसलिए ये असत होकर के परस्पर में कार्यकारण भाव नहीं हो सकता है। इदानीं पुण्य वै पुण्यन कर्मणा भवति इत्यादि श्रुतेर अभी शंका करते पूर्वशी, पुण्यो वै पुण्यन कर्मणा भवति, पुण्य कर्म से पुण्य लोक की प्राप्ति होती, पुण्य शरीर प्राप्त होता है, पाप न पाप जो जन्म प्राप्त होता है कर्म के अनुसार, पुण्य कर्म का फल उत्तम योनि की प्राप्ति, पाप कर्म करता है तो तिरेक योनि में जाता है,
श्रुति कहती पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पुण्येन कर्मणा पुण्यो भवति, पुण्य पुण्यलोक की प्राप्ति, पुण्य शरीर उत्तम योनि की प्राप्ति होती, पाप पापेन पापम इत्यादि श्रुति से क्या हुआ, धर्मादिषु हेतुफल भाव आशंक्य। धर्माधर्म में हेतु तो धर्माधर्म हेतु है और जन्म है फल, शरीर देह कार्यक्रम संज्ञात फल, तो धर्म में हेतुफल भाव हो जाता है श्रुति प्रमाण से, श्रुति प्रमाण है इतिहास हेतुफल भाव हो जाए इतिहास आशंक्य कि श्रुति भी प्रमाणते है किंतु असंभाविता अर्थ है प्रामाण्य विघात, जो अर्थ असंभव है उसमें श्रुति प्रमाण नहीं होगा। श्रुति का तात्पर्य देखना पड़ेगा क्या है, असंभावित अर्थ में श्रुति यदि प्रमाण हो जाए तो लकड़ी के केयू पर बनाओ, बनाते बनाते वो क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा भगवान आदित्य यूप, श्रुति में कहा गया आदित्य यूप, यूप आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य भगवान। लकड़ी बनाता है कोई बनाएगा यूप बनाया, पत्थर के यूप बनाते वन जान से क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, श्रुति प्रमाण। ये असंभावित अर्थ में प्रमाण नहीं होगा, वहाँ क्या तात्पर्य देखना पड़ता है, श्रुतिर असंभावित अर्थ है प्रामाण्य होगा तो प्रामाण्य नहीं हो सकता है, असंभावित अर्थ में प्रमाण नहीं है। अवश्यम पर्वापर्यम वक्तव्य, इसलिए श्रुति यदि प्रमाण से कार्यकारण भाव मानते हो, धर्माधर्म रू कार्यकरण संघात में हेतुफल में अवश्यम पर्वापर्यम वक्तव्यम बोलना पड़ेगा, कार्यकारण भाव मानोगे तो पर्वापर्यम वक्तव्यम इत्याह। यदि हेतुफला सिद्धि फलसिद्धिश्च हेतुतः कतरत् पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया यदि हेतु हो फला सिद्धि, फलात हेतु सिद्धि, फल से हेतु की सिद्धि, फल है कार्यकारण संघात से धर्माधर्म की सिद्धि होगी, और फल कैसे से फल की सिद्धि कैसे होगी, फल सिद्धि से हेतु तो धर्माधर्म से कार्यकारण संघात की सिद्धि। अभी हेतु और फल में कौन कारण हुआ कौन कार्य हुआ, परस्पर कार्यकारण भाव, हेतु की सिद्धि फल से, इसमें कारण कौन है, हाँ फलात फल है कारण, कार्य क्या है, हाँ हेतु सिद्धि फलात, फल सिद्धि से हेतु तो इसमें कारण कौन है, हेतु कार्य फल, परस्पर कार्य कारण भाव यदि है तो कतरत पूर्व निष्पन्नम, हेतु फल में दोनों में कतरत पूर्व निष्पन्नम यस्य अपेक्षया सिद्धि, यश अपेक्षा अपर से सिद्धि, दोनों में कौन पहले हुआ, जिसकी अपेक्षा करके अन्य की सिद्धि होगी, यश सिद्धि अपेक्षा है ना, यश अपेक्षा सिद्धि, जिसकी अपेक्षा करके अन्य की सिद्धि होगी वो कौन पूर्व हुआ कतरत, दोनों में एक बताओ, पूर्व निष्पन्नम पूर्व निष्पन्न कौन है जिसकी अपेक्षा अन्य की सिद्धि होगी, हाँ यदि श्लोकाक्षराणी हो जाती है भाष्य में, पहले तो सिद्ध कर दिया असंबंध विषाणवत, दोनों में संबंध कार्यकारण भाव संबंध किसी भी संबंध नहीं हो सकता है, तो असंबंधता दोष है ना अपोदिते भी हेतु फल कार्यकारण भावे अपोदिते निषिद्ध कस्मिन कार्यकारण भावे, हेतु और फल में कार्यकारण भाव अपोदित उसका अपवाद किया गया निषेध किया गया, कार्यकारण भाव का निषेध हुआ, क्या दोष है असंबंधता दोष है ना,
हेतु फल में कार्यकारण भाव अपोदित असंबंधता दोष है ना, दोनों में कार्यकारण भाव संबंध नहीं हो सकता है, किसी भी संबंध कोई संबंध ही नहीं, दोनों में संबंध नहीं इसी दोष से हेतु फल में कार्यकारण भाव अपोदित अपवाद उसका क्या गया, निषेध कर गया, कार्यकारण भाव निषेध है। फिर भी यदि हेतु फल और अन्योन्य हेतु सिद्धि अभिपगम्य था ये बतवाया, फिर भी छोड़ते नहीं, आग्रह दुराग्रह मन में रहता है, पहले ही से बैठा है दिमाग में, हेतु फल और अन्योन्य सिद्धि परस्पर की सिद्धि हो जाएगी एक से दूसरे की, दोनों में परस्पर कार्यकारण भाव, हेतु फल और अन्योन्य सिद्धि अभिपगम्य थे बतवाया तुम मानते हो, ठीक है। अब इतने बता दो कतरत पूर्व निष्पन्नम, ये दोनों में कौन पहले है बताओ, कतरत पूर्व निष्पन्नम कौन पूर्व निष्पन्न हुआ, कतरत दोनों में एक कौन, दोनों कौन है, हेतु फल दोनों में कौन पूर्व निष्पन्न हुआ, यस्य अपेक्षया सिद्धि, यस्य अपेक्षया सिद्धि, अपर से सिद्धि, अपर से मतलब पश्चात भावन सिद्धि, यस्य सिद्धिर अपेक्षया, यस्य अपेक्षया सिद्धि, कस्य सिद्धि, पश्चात पीछे वाले होने वाले की, पहले पूर्व हो गया कारण, जिसकी अपेक्षा करें पश्चात भावन सिद्धि होगी, सिद्धि से आद किसकी अपेक्षा करके, पूर्व सिद्धि अपेक्षया, पूर्व सिद्धि पूर्वा सिद्धिर से पूर्व सिद्धि अपेक्षया अपर से सिद्धि, पहले पूर्व निष्पन्न बताओ जिसकी अपेक्षा करके पश्चात भावी अपर की सिद्धि होगी, पूर्व सिद्धि अपेक्षया, पूर्व सिद्धि अपेक्षया अपर भावी न पश्चात भावी सिद्धि, तद ब्रूही तद पूर्व वाला कहेंगे अपर वाला कहेंगे क्या कहना, तद ब्रूही देखो तद ब्रूही में तत्पर से क्या लेना प्रश्न है, पूर्व निष्पन्न पूर्व पूर्व निष्पन्न तद्भि पूर्व निष्पन्न कतरत, ये प्रश्न है कतरत पूर्व निष्पन्न पूर्व निष्पन्न कतरत तद्भि, ये प्रश्न है जिसकी अपेक्षा करके अपर की सिद्धि होती, यस्य पूर्व सिद्धि अपेक्षया प्रसदाभिन सिद्धि तत् पूर्व निष्पन्नम कतरत ब्रूही, पहले निष्पन्न कौन है बताओ, यस्य का अर्थ नहीं है, नहीं यस्य का अर्थ यस्य का क्या दिया है, हाँ पश्चात भावे न सिद्धि, अपेक्षा का अर्थ पश्चात भावे न सिद्धि, यस सिद्धि सिद्धि है पश्चात भावे न सिद्धि, यस्य का अर्थ पश्चात भावे नहीं, यस्य अपेक्षा सिद्धि वो कतरत पूर्व निष्पन्नम, यस्य पूर्व निष्पन्नस्य अपेक्षा अपर से प्रसाद प्रसाद है सिद्धि, इसे यस्य का अर्थ हाँ पूर्व हाँ यस्य अपेक्षया, यस्य अपेक्षया का अर्थ पूर्व सिद्धि अपेक्षया पश्चाभाविन सिद्धि, यस्य पूर्व सिद्धि अपेक्षया पश्चाभाविन सिद्धि तत्पूर्व निष्पन्न ब्रूहि, हेतु फलयोर इदम पूर्वम इदम पश्चादिति न ज्ञायते, पूर्वपिशी कहता है हेतु और फल में धर्माधर्म कार्यकारण संघात में इदम पूर्वम इदम पश्चात, दोनों में इदम पूर्व ये पहले ये बाद में इतने न ज्ञायते, क्योंकि परस्पर आशय हेतु फल से फल हेतु से परस्पराशया तो अतः इदम पूर्व निष्पन्नम इति वक्तुम अशक्यम, ये नहीं कह सकते इदम पूर्व निष्पन्नम, बीजांकुर में परस्पर का बीज से अंकुर अंकुर से बीज पहले कौन वार नहीं बता सकते, किंतु बीज से अंकुर उत्पन्न होता है अंकुर से बीज उत्पन्न होता है प्रत्यक्ष दिखता है परस्पर कार्यकारण भावी, इदम पूर्व निष्पन्न इति वक्तुम अशक्यम बस अशक्य मित्या अशक्ति यदि नहीं कह सकते तो दोष क्या है बताते हैं,
अशक्तिरपरिज्ञान क्रमकूपोत वा पुनः एवं ही सर्वथा बुद्धि प्रजाति ही परिदीपिता अशक्ति। यदि पूर्व निष्पन्न नहीं बोल सकते तो अशक्ति असामर्थ्य, अशक्ति सूचक ये होता है असामर्थ्य सूचक, ये निग्रह स्थान में आता है पराजय अशक्ति। दूसरा है अपरिज्ञान, अपरिज्ञान है ये भी दोष है निग्रह स्थान। और अथवा क्रमकोप, क्रमभंग, कारण पहले होता है कार्य बाद में होता है, ये क्रम का कोप हो जाएगा पूर्व पार, ये दोष होता है। यदि नहीं कह सकते हो तो अशक्ति पहले पहला है, अशक्ति का सूचक हो गया उतना असामर्थ्य अप्रतिभाना, अशक्ति सूचक निग्रहता ने अप्रतिभान अप्रतिभा। और दूसरा है अपरिज्ञानम, अपरिज्ञान हेते है अपरिज्ञानम, ये भी निग्रहता ने प्रतिज्ञानी नहीं, प्रतिज्ञान नहीं आत्मन अपरिज्ञानम, अपरिज्ञानम असत्यर अपरिज्ञान हो गया, अप्रतिभा नामक दोष है। और दूसरा है यदि अपरिज्ञान है तो क्रमभंग होगा, नियत पूरा प्रभाव यदि नहीं जानते हैं तो तदा पूर्वम कारणम उत्तरम कार्यम इति प्रतिज्ञा ही है। टीका में दिया ये व्याख्या करेंगे भाष्य में, एवं ही सर्वथा बुद्धि अजाति परिदीपिता, कौन पहले कौन बाद में निश्चय नहीं हुआ असामर्थ्य है, अप्रतिभा नामक निग्रहतान हुआ, अक्रम कोप अक्रम का भंग होता है, पूर्व कारण पश्चात कार्य एक क्रम भंग, इसमें के प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा हानि रूप दोष से अक्रम कोप का प्रतिज्ञा हानि हुआ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बुद्धे ही सर्वथा अजाति परिदीपिता, परिदीपिता प्रकाशिता ज्ञापिता, अजाति बुद्धे ही विद्वान, विद्वान के द्वारा, विद्वान के तो वो उपवास कर कहते दोनों इसे परस्पर निषेध करके, अजाति को ही जो हम मानते हैं अजाति जन्माभाव उसको ही प्रकट कर दिया। टीका में उत्तरावसर चेद उत्तरापरिज्ञानम, प्रश्न पूछा गया उत्तर देना चाहिए, उत्तर नहीं दे पाता है अपरिज्ञानम, तरी कथका शक्ति सूचकम निग्रहतानम, कथक से अशक्ति, अशक्ति असामर्थ्य उसका सूचक है। उत्तर देने के लिए बहुत जो पूछा गया कुछ नहीं बोलते, जीवकार बैठा है, दो तीन बार पूछने पर नहीं बता पाते हैं, क्या मालूम होगा असामर्थ्य, साथ तो करने के लिए बैठा है अब पूछते सब नहीं बताया, तो अशक्ति का सूचक है। ये होता है निग्रहतान अप्रतिभा नाम को, अप्रतिभा विधानियम, अप्रतिभा शब्द से कहा जाता है वो निग्रहता न, और ये दोष है कथक प्रतिभादिना प्रत्युत्तरदान असामर्थ्य सूचक असत्य हो गया अप्रतिभा। किंच यदि क्रमश नियत पूरा प्रभाव आत्मनो अपरिज्ञानम, असत्य ज्ञान ही नहीं, ये तुमको ज्ञान ही नहीं अपरिज्ञान का, तो गया नियत पूरा प्रभाव है क्रम, पूरा प्रभाव ये पहले ये बाद में, ये नियत क्रम कारण पहले कार्य बाद में होता है, दोनों में कौन नियत पूर्व कौन पर में ये भाव के का यदि क्रम का अपरिज्ञान, क्रम क्या है नियत पूर्व प्रभाव आत्मक कर्म, नियत पूर्व प्रभाव आत्मक क्रम पहले कौन बाद में क्या है ये क्रम, नियत पूर्व, नियत पूर्व भाव, नियत अप्रभाव, कारण पहले होता है कार्य बाद में होता है,
ऐसे यदि कार्यकारण भाव तुमको नियत पूर्वपर भाव ज्ञान नहीं है तथा पूर्वम कारणम उत्तरम कार्यमिति प्रतिज्ञा ये तो प्रतिज्ञा है तो प्रतिज्ञानि प्रतिज्ञा है तो क्या दूसरा तथा च प्रतिज्ञा हानि निग्रहांतरम आपदेत ये प्रतिज्ञानी रूप दोष है। ये भी निग्रह स्थान में आता है प्रतिज्ञानी एक प्रकार प्रतिज्ञा करेंगे फिर दोष दिखा तो नहीं ऐसे हम कहेंगे दूसरे प्रतिज्ञा कर दे प्रतिज्ञा क्या हानि और एक प्रतिज्ञा को छोड़ देने से प्रतिज्ञा संन्यास ये भी होता है प्रतिज्ञा क्रम क्रम कोप अथवा पुनः क्रम का कोप क्रम भंग हो जाएगा। अन्योन्यम अन्योन्य पक्ष प्रतिक्षेप मुखेन अन्योन्य पक्ष प्रतिक्षेप मुखेन परस्पर पक्ष का निषेध के द्वारा कैसे निषेध किया सत का जन्म नहीं होगा असत का जन्म नहीं होगा सतो असत सतो सतश्च जन्मनि प्रत्याख्याते सत का जन्म होगा असत का जन्म होगा दोनों का प्रत्याख्यान होगा और क्रम से जन्म होगा या एक साथ होगा एक साथ नहीं होगा और क्रम से होगा तो पहले कौन बताओ क्रमाक्रमाभ्याम उत्पत्तेर अनुपपत्ते ये भी पूर्व पार प्रभाव नहीं इसे दोनों क्रम से अक्रम से उत्पत्ति नहीं हो सकती होने से क्या हुआ अजात्रिव ख्यापिता जो अस्मद अभिप्रेता हम जो मानते हैं अजन्म अजाति जन्म है ही नहीं अजातिरिव अस्मद अभिप्रेता बादि भी आदर्शिता भवती बादियों के द्वारा परस्पर विरुद्ध करते करते हमारे जो इष्ट है अजाति इसको ही स्वीकार कर लिया प्रख्यापन कर लिया दर्शिता होती तो उपसंहरति एवं ही सर्वथा अजाति परिदीपिता कई बुद्धिवादी भी कार्य भी करेंगे तत्र श्लोके आद्य पादम व्याकरोति असत्तिरपरिज्ञानम ये प्रथम पाद है भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते अतएत न शक्यते वक्तव्यमिति मन्य से पहले टीका टीका में आया कौन पूर्व निष्पन्न नहीं कर सकते परस्पर कार्य का अनुभव एतद वक्तुं न शक्यते इति मन्य से कतरत पूर्व निष्पन्नम ये जो नहीं कर सकते हो यदि नहीं ऐसा मानते हो तो ये संयम अशक्ति ये अशक्ति है तुम्हारा अपरिज्ञान शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं ज्ञान नहीं अर्थात तत्व अविवेक तत्व से अविवेक अपरिज्ञान तत्व का विवेक नहीं मूढ़ता ये तुम्हारा है ये भाष्य में इसे कह दिया उसका अभिप्राय है अप्रतिभा नाम निग्रह था ना अप्रतिभा जब उत्तर देने का समय आया नहीं बोल पाता है तो असत्य का सूचक हुआ या प्रतिभा नामक निग्रहता नहीं अपरिज्ञान है तो किंच यदि क्रमस्य नियत पूर्वापर भावात्मन अपरिज्ञानम तदा यदि क्रम का नियत पूर्वापर भावात्मक क्रम का अपरिज्ञान है ऐसा नहीं है ठीक है तो हो गया था ना ठीक है अभी भाष्य में चले भाष्य में चलेगा ना हाँ भाष्य में अथवा अथवा योयम त्वयाक्त क्रम त्वयाक्त क्रम हेतु फल से सिद्धि फला चेतु सिद्धि हेतु से धर्माधर्म से फल कार्यक्रम संघात की सिद्धि कार्यक्रम संघात से धर्माधर्म की सिद्धि थी इति इतरेतरा अनंतर्य लक्षण लक्षण ये जो तुमने बता परस्पर अनंतर्य हेतु के बाद फल फल के बाद हेतु ये जो अनंतर्य हो गया परस्पर अनंतर्य लक्षण क्रम तस्य कोप क्रम से कोप तम से कोप विपर्यास विपर्यास अन्यथा भाव विपरीत हो जाएगा पूर्व कौन पर कौन निश्चय नहीं हुआ अन्यथा वैपरीत्यम वैपरीत्यम तो कारण पहले कार्य बाद में कौन पहले कौन बाद में ये नहीं कह सकते हो तो फिर ही इतने तरह अनंतर लक्षण नहीं कहते क्रम का भंग ये पहले का पूर्वम कारण उत्तरम कार्यम ये प्रतिज्ञा का हानि प्रतिज्ञा की हानि
अन्यथा अस्यादित्य अभिप्राय एवं हेतु फलयो एवं टीका में अथ इत्यादि ना अथ इतना न सकित हो गया। अक्रम पक्षे पूर्व निष्पन्नम एतदेन परामर्श्यते एतद आया भाष्य में। हाँ एत न शक्यते वक्तव्यमिति एतद एतद मतलब पूर्व निष्पन्नम एत साधन परामर्श्यते पूर्व श्लोक यहीं पचार गया। कतरत पूर्व निष्पन्नम ब्रूहि पूर्व निष्पन्नम एत शब्द न जो पूर्व श्लोक में पूछा था वही कहते एतत न परिज्ञात एतद वक्तुम न शक्यते अतः एत न शक्यते वक्तुम एत शब्द से क्या लेना पूर्व निष्पन्न। पूर्व निष्पन्न किस पक्ष में होगा क्रम पक्ष में। युगपद यदि उत्पन्न होगा तो पूर्व निष्पन्न का प्रश्न होगा एक साथ उत्पन्न तो नहीं होगा क्रम पक्ष में पूर्व निष्पन्न। तो ये तत् जो पूर्व श्लोक में पूछा था ब्रूही कर कहा था भाष्य में आया था पैसा तद्ब्रूही पूर्व निष्पन्न कतर तद्ब्रूही जो प्रश्न कहा था उस वे नहीं जान से तो एतद वक्त न सकते पूर्व निष्पन्न तब क्या होगा तब हो गया तत्वावेग अपरिज्ञान अप्र द्वितीय द्वितीय पाद में योजति द्वितीय पाद है क्रमकोत अथवा पुनः अथवा भाष्य में अथवा योयं तो एक तो क्रम हेतु फल हेतु से फल की सिद्धि फल से हेतु सिद्धि इतने तरह अनंतर लक्षण उसका कोप क्रम का भंग अन्यथा भाव सिद्ध अथवा द्वितीयार्धम विवृणति द्वितीयार्ध है एवं ही सर्वथा बुद्धिर् अजाति परिदीपिता ये जो द्वितीयार्ध है उसका कहते एवं भाष्य में एवं हेतु फलयो कार्यकारण भावानुपपत्ते हेतु और फल में धर्माधर्म हेतु फल है कार्यकारण संघात दोनों में अभी कार्यकारण भाव अनुपपत्ते कार्यकारण भाव नहीं सिद्ध होता है। युगपत हो तो कार्यकारण भाव संबंध होगा नहीं क्रम होगा तो पूर्व निष्पन्न कौन बताना चाहिए पूर्व कौन नहीं मालूम है तो पूर्व कारण होता है उत्तर कार्य होता है ये ज्ञान ही तो असत्य और अपरिज्ञान क्रम भंग तो ये कार्यकारण भाव दोनों में कैसे बनेगा कौन पहले बताओ पहले जो होगा पूर्व भाव नियत तो पूर्व भावी कारण होता है कार्य होता है कार्य कारण के पूर्व उत्तर भावी पूर्व निष्पन्न यदि ज्ञात नहीं तो कार्यकारण भाव नहीं होगा कार्यकारण भाव अनुपपत्ति फिर क्या सिद्ध होगा अजाति ही जन्म का भाव अजाति अजाति न जाति सर्वस्य अनुत्पत्ति सबकी अनुत्पत्ति किसी की उत्पत्ति यही नहीं अजाति परिदीपिता कहा था प्रकाशिता दीपिदित तो प्रकाश के लिए प्रकाशिता स्पष्ट कर प्रकाश कर दिया किसी की उत्पत्ति नहीं होती अजाति जो हम मानते पहले से किसे किसने कहा अन्योन्य पक्ष दोषम पूर्वद भी आदिवीर परस्पर पक्ष दोष कहते कहते ये दूसरे देश देता है वो दूसरे को देश देता है दोनों दोष देते देते थे बुद्धे ही हमारे मत को प्रकट कर दिया प्रकाश कर दिया जन्म नहीं होता है बुद्धे ही कहा था पंडित ही रीति अर्थ बुद्ध कहता है पंडित दोनों भी टिप्पणी में दिया पंडित मन्य रीति अर्थ पंडित मान अपने को मानते पंडित आत्मान मन्यते सोपासम तथा अर्थात दोनों अपने को बुद्धिमान मानते हुए परस्पर खंडन करते करते हमारे मत को सिद्ध कर दिया उत्पन्न नहीं होता है ये कहता सत्य का उत्पन्न नहीं होता है नायक का वैशेषिक लोग कहते और सांख्य लोग कहते असत्य का किस उत्पन्न होगा सत्य विषाण की उत्पत्ति असत्य का उत्पन्न नहीं सत्य का उत्पन्न नहीं फिर दोनों का चला गया सत्य असत नहीं और परस्पर जाने जाने का एक साथ उत्पन्न होगा ये संभव नहीं है सत्य विषाण के समान परस्पर कार्यकारण भाव नहीं बनेगा युगपद संभव है अस्माद
असंबंध हो जाता है। तो क्रम से मानेंगे, क्रम से मानेंगे तो पहले कौन बताओ, क्रम तो पहले है कि बाद में, तभी तो क्रम बनेगा। दोनों में कतरत पूर्व निष्पन्न बताओ, यदि नहीं जानते तो फिर क्रम को उप हो गया। इसी प्रकार उत्पन्न किसी की उत्पत्ति हो नहीं सकती, वही बुद्धि परिदीपिता अजाति। फिर शंका करते, ये तो बीजांकुर के समान है, इतने क्या विचार करना है। बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, इसमें कोई संदेह है? बीज से अंकुर होकर पेड़ होता है, अंकुर से फिर अंकुर पेड़ हुआ, फिर बीज। बीजांकुर हेतु फलोर अन्योन्य कार्य कारण भाव अभ्यपगमान नान्योन्याश्रयत्व इति आशंका। बीज अंकुर में तो कार्य कारण भाव है, जैसे बीज अंकुर में कार्य कारण भाव है, इस प्रकार हेतु फल में भी कार्य कारण भाव हो जाएगा। वहाँ बीज अंकुर कहते हैं, यहाँ हेतु फल कहते हैं। ये पेड़ के फल नहीं, यहाँ फल क्या है? कार्य कारण संघात, हेतु है धर्माधर्म। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, परस्पर कार्यकारण भावे, इसी प्रकार धर्माधर्म से कार्यकारण संघात। शरीर बनेगा तो धर्माधर्म होगा, धर्माधर्म से शरीर, शरीर से धर्माधर्म। कौन कारण हुआ, कौन कार्य हुआ? अन्योन्य परस्पर अन्योन्य कार्यकारण भाव विभगमात यथा बीजांकुर। बीज अंकुर में जैसे परस्पर कार्यकारण भाव है, इसी प्रकार हेतु फल में परस्पर कार्यकारण भाव अव्यवहमात। हम मानते न अनुन्याश्रयत्व, अनुन्याश्रय दोष है ही नहीं। अनुन्याश्रय दोष कहकर क्या बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, अंकुर से बीज नहीं होता है? अनुन्याश्रय कह करके खंडन करके नहीं होता है? अनुन्याश्रय कह करके कहेंगे बीज अंकुर नहीं बनेगा, क्यों? अंकुर से बीज बने, बीज शंकर तो अनुन्याश्रय दोष होता है, इसलिए धान डालने पर कहते हैं कहते में अंकुर नहीं होने वाला, पेड़ लगाओ तो पेड़ से फल नहीं होने वाला, क्यों? अनुन्याश्रय दोष। ये क्या अनुन्याश्रय दोष कहते हैं? अनुन्याश्रय दोष कुछ नहीं, ये इसलिए बीजांकुर के समान मानते। इधर दृष्टान्त दिखा दिया, देखो बीजांकुर में कैसे, इतने आशंका है। बीज बीजांकुरा को दृष्टांत सदा साध्य समो हिस, नहीं साध्य समो हेतु सिद्धौ साध्य से युज्यते। ये जो बीजांकुर दृष्टांत देख रहे आपने बड़ा जोर से कहा, अनुन्याश्रय दोष नहीं, बीजांकुर होता है, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज। ये जो दृष्टांत दिया वो दृष्टांत ही सदा ससाध्य सम, साध्य के समान है, पक्ष में साध्य निश्चित है, असाध्य भाव निश्चित है, संदिग्ध है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। जैसे पक्ष में साध्य संदिग्ध है, साध्य संदिग्ध होता है, इसी प्रकार दृष्टांत जो आपने बीजांकुर के दृष्टांत वो भी संदिग्ध है, वहाँ भी प्रश्न होगा, वहाँ भी प्रश्न होता है, बीज शंकर अंकुर से बीज क्या है, वहाँ भी दृष्टांत साध्य के समान हो गया, संदिग्ध है। जो संदिग्ध है वो दृष्टांत नहीं बनेगा, दृष्टांत देना जहाँ निश्चय है, जहाँ संदिग्ध है वो दृष्टांत नहीं बनेगा। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बनी, यथा सपर्वत वो पर्वत, क्योंकि वहाँ धूम दिखता है। अरे वहाँ धूम दिखता है तो बनी है क्या प्रमाण? क्या जिस प्रकार वो पर्वत में कौन सा पर्वत दृष्टांत बनेगा? सब में धूम दिखते ही, नीचे से ऊपर धूम निकल रहे, बनी किसमें नहीं दिखती। अब कौन सा पर्वत दृष्टांत बनाओगे? सामने पर्वत दिखाते, अयम पर्वत वन्यमान धूमात, क्योंकि व्याप्ति है, यत्र यत्र धूम तत्र वन्नी, यथा अच्छा पर्वत, अन्य दूसरे पर्वत दिखा दिया।
कहीं वहाँ धूम है तो वनी तो दिखते नहीं, या रहता अशुभ अशुभ पर्वत दूर में देखो, ये दूर में पर्वत वहाँ भी तो धूम निकला है। खाली धूम को देखने दृष्टांत होगा, वहाँ भी संधि तो साध्य है। इसे साध्य समय हेतु हेतु कहते दृष्टांत श्लोक में, नहीं साध्य समय हेतु साध्य से सिद्ध युज्यते हेतु ही, क्योंकि दृष्टांत भी साध्य का साधक होता है, कारण होता है साध्य ज्ञान का कारण, इसलिए दृष्टांत को हेतु शब्द से कहा, क्योंकि दृष्टांत पूर्व पूर्वाद में आया व्याख्यान करेंगे। नहीं साध्य समय हेतु हेतु का अर्थ दृष्टांत, दृष्टांत साध्य के समान साध्य से सिद्धो न युज्यते, साध्य की सिद्धि के लिए कारण नहीं बनेगा, जो संदिग्ध है वो दृष्टांत नहीं बनेगा। टीका में दृष्टांतस्य साध्य समत्वे भी साधकत्वमस्तु, के दृष्टांत साध्य के समान हो गया, संदिग्ध हो गया। तीन नंबर में साध्य और संदिग्धत्व होने पर भी साध्य का साधक हो जाए, साधकत्वमस्तु इति आशंका, इसे कहता है नहीं साध्य सम हेतु सिद्धो साध्य से विजयते। ये श्लोक की व्याख्या हुई, आगे भाष्य की व्याख्या में। ॐ भद्रं कर्णेभि श्रृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवित्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्सस्तनोभिः, यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वारयामि।